दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस लेसन में आपको बताऊंगा कि हम किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड जो है वो किस तरह चेंज करते हैं। स्पेशली जो ग्रीन स्क्रीन वाले बैकग्राउंड हैं वो बहुत इजी चेंज हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ग्रीन स्क्रीन का जो इफ़ेक्ट है वो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ जिस पर मैंने ग्रीन स्क्रीन अप्लाई करना हो। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरा अपना एक ट्यूटोरियल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसकी कंपोजिशन बना लेता हूँ। कंपोजिशन बनाने के बाद मैं इधर ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो मैं इधर डबल क्लिक करूँगा और मेरे पास ये इधर पड़ा है, इधर और इधर इफ़ेक्ट, और जैसे कि ये मेरे पास पड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, वाइट एंड सॉफ्ट रियल क्लाउड वाला ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये आ गया। अब मैं इसको अपनी वीडियो पर लेकर जाऊँगा इस तरह, और ये देखिए बिल्कुल डार्क, ठीक है। दोस्तों, मैं इसका साइज़ वीडियो के हिसाब से कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए, इस तरह। इस तरह, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो भी नज़र आए और ऊपर ये जो क्लाउड्स हैं वो भी ऊपर मूव करें। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास दो तरीके हैं ग्रीन स्क्रीन को हटाने के। तो एक तरीका तो ये, हम इधर इफेक्ट में जाएंगे मैनुअली, अच्छा, और इधर से किंग में जाएंगे। किंग में जाने के बाद की लाइट 1.2 इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो हमने स्क्रीन कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, हमने इसको चेंज करना है। हमने इधर अगर क्लिक करके इधर से हम कर सकते हैं चेंज तो कर ले, वरना आसान तरीका तो ये है, हमने इसको उठाना है पॉइंटर को और उससे ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो ग्रीन स्क्रीन वो सिलेक्ट कर लेता है और उसको गायब कर देता है। अच्छा, तो मैं वीडियो को प्ले करता हूँ थोड़ा सा, मैं इस जगह पर जाकर प्ले करता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस जगह पर। ये देखिए मेरी वीडियो भी चल रही है और ये ऊपर वाइट क्लाउड का इफ़ेक्ट भी है, इस तरह। ठीक है दोस्तों, अगर हम अपनी कोई भी ऐसी वीडियो बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप अपनी ख़ुद की कह लें कि मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब ऐसी कोई अपनी वीडियो बनाऊं जिसका मैं ख़ुद का अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकूं, तो आप कोई भी ग्रीन कपड़ा ले लें, ग्रीन कलर का, या कोई भी डार्क कलर ऐसा हो जो आपने ख़ुद ना पहना हो, ठीक है। आपने ख़ुद लाइट कलर के कपड़े पहने हुए और कोई भी डार्क कलर जो है वो बैकग्राउंड ले लें, और लेने के बाद आप उसके आगे जो भी एक्शन करना है या कोई भी वीडियो बनाना है, जो भी करना है वो कर लें। करने के बाद वो आप सेम इसी तरह करें और इसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर है तो ग्रीन चेंज कर दें, अगर प्योर ब्लैक हो तो ब्लैक कलर को इधर से ऐसे इफेक्ट में सिलेक्ट कर देना इधर से, ठीक है। करने से आप जो है वो उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं और अपनी वीडियो पर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इसका जो ये जो बादल है वो डार्क ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगा, इधर से वाइट, इधर इस एरो पर क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और मैं क्या कर दूँगा, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा इधर कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इधर अब इधर बादल जो है वो थोड़े से लाइटली हो गए, डार्क नहीं है, इस तरह। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको 100 ही रखें तो ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे, ठीक है, इस तरह। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।